मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा शनिवार को पेश किए गए बजट पर सदन में बजट पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बजट पूरी तरह से निराशाजनक है, इस बजट में कोई दिशा नहीं है और ना ही कोई विजन नजर आ रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि जनता जान चुकी है कि चुनाव से पहले झूठी गारंटियां देकर कांग्रेस सत्ता में आई थी और एक वर्ष के बाद भी उन गारंटियों पर कोई काम नहीं हुआ है। चुनाव से पहले झूठी गारंटी दे करके झूठ बोल करके सत्ता में आए, सत्ता हासिल करने के बाद पहला बजट प्रस्तुत किया, उसमें बहुत सारी घोषणाएं की, और एक साल बीतने के बाद उन घोषणाओं पर कहीं भी जमीनी स्तर पर काम हुआ नहीं। सारी की सारी योजनाएं धरी की धरी, हवा की हवा में रह गई। और उसके पश्चात अभी के इस बजट में, 2024-25 के इस बजट में फिर वही क्रम जारी रखा झूठ बोलने का। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बजट पेश किया गया है। थोड़ा थोड़ा लाभ सभी वर्गों को देने का प्रयास हुआ है। राजस्व वसूली और खर्च में 4,514 करोड़ का अंतर है। राजस्व घाटा 10,784 करोड़ पर पहुंच गया है। ऐसे में प्रदेश में विकास के कार्य कैसे होंगे? उन्होंने कहा कि एक वर्ष में 30,000 सरकारी नौकरी देने की पिछले बजट में घोषणा की थी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। कुछ वर्गों को थोड़ा थोड़ा लाभ दे करके उनको लुभाने की कोशिश की, लेकिन हकीकत यह है कि समाज का कोई भी वर्ग जो है वो खुश नहीं है। क्या हुआ 29,000 नौकरियों का जो आपने पिछले बजट में कहा था? जब कांग्रेस ने चुनाव से पहले गारंटी दी तो उस गारंटी में उन्होंने कहा था कि 1,00,000 नौकरियां 1 साल में निकालेंगे और 5,00,000 नौकरियां 5 साल में देंगे, लेकिन पिछले बजट में जो 23-24 का जो बजट प्रस्तुत किया उसमें कहा था कि 30,000 नौकरी देंगे। साल बीत गया, 30 लोगों को रोजगार नहीं मिला हिमाचल प्रदेश में, ये हकीकत है। नेता प्रतिपक्ष ने विक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पोस्ट का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार के एक मंत्री ने अपनी ही सरकार के बजट पर सवाल खड़े किए हैं। लोक निर्माण मंत्री की पोस्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बजट से योजनाओं का जिक्र हटा दिया गया। टूरिज्म का सेक्टर है, चाहे हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर का सेक्टर है, एजुकेशन का सेक्टर है, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर है। अतः इस बजट से निराशा हुई है, हताशा हुई है, और उनके ही एक मंत्री ने खुलेआम इस बात का जिक्र अपने सोशल मीडिया की पोस्ट के माध्यम से किया है। जो हमने बातें अंदर की थी बजट में जोड़ने के लिए, उनका इंक्लूजन नहीं हुआ, वो नहीं जोड़ी गई, वो हटा दी गई, अधिकारियों के कहने पर हटा दी गई या सरकार के मुख्यमंत्री के इशारे पर हटा दी गई, इस बात को लेकर के उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। इसलिए जब मंत्री अपनी ही सरकार के बजट से प्रसन्न नहीं है, जब उनकी पार्टी के ही लोग इस बजट के समर्थन में नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही इस बात को कह रही है कि वर्तमान सुक्खू सरकार का ये बजट पूर्ण रूप से दिशाहीन है, प्रदेश का इसमें कतई भी हित नहीं है,